फिर वार्ड क्रमांक 55 पुलगांव के निवासियों ने कचरा डंपिंग को लेकर आक्रोश जताया है। निवासियों और पार्षद पति का कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल से नगर निगम के द्वारा इस जगह को कचरा साफ करवाकर स्वच्छ किया है और लगभग 1000 पौधे लगाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग नगर निगम कमिश्नर ने निरीक्षण कर इस स्थान को एक बार फिर से कचरा डंपिंग के लिए चिन्हित किया है। ऐसा करने से हमें और हमारे वार्डवासियों को फिर से एक बार प्रदूषण, बदबूदार हवा, गौठान के समीप पशु भक्षक कुत्ते की जनसंख्या बढ़ जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुत्ते के द्वारा बछड़े पर हमला किया गया है, जहां पर दो बछड़ों के ऊपर हमला किया गया जिसमें एक की मृत्यु हो गई है, दूसरे बछड़े का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने शासन के प्रति अब मोर्चा खोल दिया है। के दौरान सुबह वही 9:30-10 बजे के बीच तो मेरे को जानकारी मिला कि यहाँ फिर से कचरा डलने वाला है। तो मैं सोचा कि 2 साल तक कचरा का बदबू झेल रहा था और तकलीफ को समझ रहा था कि कपड़ा मार्केट में पूरा बदबू जा रहा था, उसका धुआं जलने से बहुत लोगों को परेशानी था, कंप्लेन आता था। फिर मैं सोचा कि फिर उस जगह को इतना खर्चा करके सफाई किया है नगर निगम प्रशासन के द्वारा, फिर उसी में कचरा डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे वार्ड में गंदगी हो और प्रदूषित फैले। हमारे वार्ड में पूरा 60 वार्ड का कचरा आता है, हमारे वार्ड को सुरक्षित चाहिए, स्वच्छ भारत चाहिए, हमारे वार्ड में कचरा नहीं होगा।